कभी मॉल या सुपरमार्केट जाए तो सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब एक के साथ एक फ्री वाली ऑफर मिले। लेकिन असल जिंदगी में अगर दो के साथ दो फ्री मिल जाए तो मजा तो दुगना होगा ही, साथ में कंफ्यूजन भी। ऐसे ही दुगने मजे और दुगने कंफ्यूजन वाली गुलजार साहब की डायरेक्टेड मूवी अंगूर की कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो अंगूर मूवी की कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक शेठ और उनकी शेठानी, उनकी पत्नी, वो कहीं घूमने जा रहे हैं। उनके जुड़वा बच्चे हैं और शेठ जी ने दोनों बच्चों का नाम अशोक रखा है। शेठ जी का मानना है कि अगर दोनों बच्चों की शक्ल एक है तो नाम भी एक होना चाहिए। रास्ते में वो कहीं पर रुक जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए और वहां उन्हें न्यूज़ मिलती है कि एक औरत है जो अपने जुड़वा बच्चों को रखकर मर चुकी है और कोई भी वो जुड़वा बच्चों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब शेठ जी सोचते हैं कि ये दो बच्चों को भी मैं अपने साथ ही रख लेता हूं, बड़े होकर मेरे बच्चों की देखभाल करेंगे। और वो उन दोनों अनाथ जुड़वा बच्चों को अपना लेते हैं और उन दोनों का नाम रखते हैं बहादुर। अब कहानी कुछ आगे बढ़ती है और शेठ शेठानी एक बड़ी सी शिप में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, तब ऐसा तूफान आता है कि सब बिछड़ जाते हैं। मतलब एक अशोक और एक बहादुर शेठ जी के पास चला जाता है और दूसरा अशोक और दूसरा बहादुर शेठानी के पास। इस तरह से ये सब बिछड़ जाते हैं। अब कहानी आती है कई सालों बाद, जब अशोक बहादुर सब बड़े हो चुके हैं, तो जो शेठ जी थे वो मर चुके होते हैं और उनके अशोक ने शादी कर ली है सुधा के साथ। सुधा अशोक सुधा की बहन तनु के साथ रहते हैं और उसी घर में उनका नौकर बहादुर और उसकी पत्नी प्रेमा भी साथ में रहते हैं। दूसरी तरफ शेठानी के पास अशोक और बहादुर हैं, तो अशोक नंबर 1 शेठ के पास थे और अशोक नंबर 2 शेठानी के पास। बहादुर नंबर 1 शेठ के पास थे और बहादुर नंबर 2 शेठानी के पास। अब बात ऐसी होती है कि वो जो अशोक नंबर 2 और बहादुर नंबर 2 है, वो इस शहर में आते हैं और उनके पास 1 लाख रुपए होते हैं। अब जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है क्योंकि उस शहर में तो सब लोग अशोक नंबर 1 और बहादुर नंबर 1 को पहचानते हैं, तो वो सबको लगता है कि ये यही वो अशोक और बहादुर है। और इसी गड़बड़ी में अशोक और बहादुर को लगता है कि यहाँ पर एक टोली है जो हमारे 1 लाख रुपए कुछ भी करके ऐंठने के लिए हमारे पर नजर गड़ाए बैठी है, तो वो लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। दूसरी तरफ अशोक नंबर 1 के घर में ऐसी कुछ हालत होती है कि सुधा अशोक के साथ एक हीरे के हार के लिए बहुत ही बड़ा झगड़ा कर लेती है। अब अशोक गुस्से में आकर घर से निकल जाता है और कहता है, जब तक मैं वो हीरे का हार लेकर नहीं आऊंगा, मैं इस घर में वापस आने वाला नहीं हूं। अब अशोक तो गुस्से में घर से बाहर निकल गया है और सुधा बहादुर को भेजती है अशोक को जैसे तैसे करके घर में वापस लाने के लिए। लेकिन इस बहादुर को अपने शेठ अशोक की जगह पर दूसरे अशोक मिल जाते हैं और वो उसे घर पर लेकर आता है। और इसी चक्कर में जो अशोक और बहादुर उस घर के नहीं होते, वो सुधा के पास चले जाते हैं, तनु के पास, प्रेमा के पास चले जाते हैं। और फिर जो कंफ्यूजन पैदा होता है, सुधा घर में अशोक को जैसे तैसे मनाती है और अशोक को लगता है कि यही गैंग में ये सुधा, तनु, प्रेमा सब मिले हुए हैं। तो अशोक और बहादुर जैसे तैसे करके उन सबको भांग वाले पकौड़े खिलाकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर जो ओरिजिनल बहादुर और अशोक है, जो अशोक सुधा का हस्बैंड है, वो घर पर आते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो पूरी रात बाहर रहा था। तो सुधा कहती है कि नहीं, आप पूरी रात घर पर थे। अशोक नंबर 1 एंड 2, बहादुर नंबर 1 एंड 2, इन सब की वजह से इतना कंफ्यूजन पैदा होता है कि कौन कौन है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर आखिर में ना सब कुछ सेटल हो जाता है। सुधा को अपना हीरो का जड़ा हुआ हार मिल जाता है, अशोक और बहादुर को अपने बिछड़े भाई और शेठानी को अपने बिछड़े बेटे मिल जाते हैं।
हैप्पी एंडिंग। मैं कितना भी चाह लूं ना तो भी इस फिल्म की स्टोरी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि चार जुड़वा लोगों को लेकर जब कंफ्यूजन भी कंफ्यूज हो जाए, ऐसी मजेदार सिचुएशंस क्रिएट होती है, तो ये स्टोरी को सुनाई नहीं जाती, ये स्टोरी को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, ये स्टोरी को सुनना थोड़ा सा नामुमकिन है, ये स्टोरी को देखना पड़ेगा। संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा की अमेजिंग केमिस्ट्री, उनकी कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल लाजवाब है, मौसमी चटर्जी की इनोसेंस, उनकी खूबसूरती, और तन्नू, उनका तो अपना ही कुछ एटीट्यूड है। कुछ फिल्मों को शब्दों में बयान नहीं की जाती और शब्दों में बयान करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिल्वर स्क्रीन पर देखने में ही मजा आता है, और कुछ फिल्मों का तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, और ऐसी ही मूवी है अंगूर। अंगूर की स्टोरी सुनने का कोई फायदा नहीं जब तक आप उसे देखे नहीं, क्योंकि वो देखना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ऐसी मूवी तो जरूर देखनी चाहिए, मजे उठाने चाहिए, क्योंकि इतनी साफ सुथरी कॉमेडी मूवी, बिना किसी गड़बड़ वाली, बिना किसी खराब डायलॉग वाली मूवीज कहाँ बनती हैं, वो तो बनती थी। तो ऐसी मूवीज जोवानू, जूस पीवानू, मूवी जोवानू, अने मज्जानी लाइफ।